हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट का यूपी आरबीएन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम कैसा रहा, कितना अटेम्प्ट करके आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अब जितने सारे एस्पिरेंट है जिसका नेक्स्ट जो टारगेट है RSM SSB जेई है, बेटा आपको जो रिवीजन मोड में है ना, उसी मोड में रहिए आप। प्रॉपर एक दो मॉक पेपर लगा लीजिए आप, जिससे सारा चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है आपको, तो ज़्यादा मतलब लोड मत लेना सिलेबस का। जो सर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, जितना हुआ है उसी में जाके आपको जस्ट बेस्ट परफॉर्म करके आना है, प्रेशर नहीं लेना। और हाँ, जिसका UPI RBI का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा सर, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट जो लास्ट का कटअप होता है वो आपको पता ही है। तो उसके अप्रॉक्स अगर आपका स्कोर आ रहा है, उतना अगर आप करेक्ट करके आए हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। बाकी जो स्टूडेंट का पेपर खराब चला गया है, बेटा उसको जरूरत है सर एनालिसिस करने का, उसको जरूरत है एक एनालिसिस करने का, जो कहाँ कहाँ हम कौन कौन सा मिस्टेक किए, क्योंकि आपका कोई एक एक गलती जो है ना, वही आपको अपने मंजिल से दूर ले जा रहा है बेटा। तो ये गलती को अच्छे से नोट कीजिए और देखिए कौन कौन सा मिस्टेक हुआ है आपसे, और इस मिस्टेक को नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी एग्जाम का तैयारी करोगे ना आप, उसको डेफिनेटली ट्राई करना बेटा, उस मिस्टेक को डेफिनेटली सर रेक्टिफाई करेंगे किसी भी हालत में, तभी जाके आप नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा कर पाओगे बेटा। नहीं तो बार बार अगर वही गलती करोगे ना, तो एक ही लूप में घूमते रहोगे आप, ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं पाएगा आपको। तो सभी लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा, जो आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है UPI RBI के पेपर में। ओके, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों का, जो क्या कटअप एंड ऑल क्या रहने वाला है, और पेपर कैसा था। पेपर आपको पता ही है, पेपर जो है ज़्यादा टफ नहीं आता, ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स नहीं आता, सिमिलर जो सिलेबस होता है उसका, तो ईजी टू मॉडरेट लेवल में मान सकते हो। ऐसा नहीं बहुत टफ नहीं मानेंगे सर, ईजी टू मॉडरेट लेवल में नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आसान आसान सा क्वेश्चन था, जो कि आपके पढ़ के भी गए थे। बहुत स्टूडेंट ने बोला सर बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन आया था सर, सच में मज़ा आ गया पेपर देख करके। तो आप लोग भी बताइए, सारे लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा। और इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।